नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है अपने नए वीडियो में। आज दोस्तों बात करेंगे यस बैंक की। दोस्तों मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो यस बैंक पे बनाया था, बट अभी फिर से एक वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी है। अभी एक नई न्यूज निकल के आ रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है यस बैंक के लिए, और जिसका असर स्टॉक के प्राइस पे कल डेफिनेटली पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस तरह से इस तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों चैनल में आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज है दोस्तों, यस बैंक सीईओ सेज फॉरेन फंड्स कीन टू इन्वेस्ट इन द प्रपोज्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म। इसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी न्यूज बता दूं कि ये जो यस बैंक का एनपीए था, ये लगभग 50,000 करोड़ रुपए का एनपीए है। इनके एमडी सीईओ प्रशांत कुमार जी ने पहले बोला था कि ये एआरसी बना रहे हैं, लाइक असेट रिस्क कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इन लाइक बैड बैंक। ये जो बैड बैंक की तरह एक कंपनी अलग से बनेगी, वो भी एक रेगुलराइज कंपनी होगी यस बैंक के अंदर, और पूरा प्रॉपर लाइसेंस के साथ काम करेगी, और यस बैंक ने उसको लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास भेजा हुआ है। तो इसमें ये है कि वो सितंबर में इन्होंने भेजा हुआ था लाइसेंस के लिए, एआरसी के लिए। अभी तक उसको आरबीआई ने परमिशन नहीं दी है। वो परमिशन कभी भी आ सकती है, एक दिन, 2 दिन, आज, कल, परसों, कभी भी न्यूज आ सकती है, ठीक है। सो ये एआरसी सेम है जैसे अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने बैड बैंक के बारे में बोला था कि एक बैड बैंक एक अलग तरह की कंपनी बनेगी जो आरबीआई रेगुलेटरी होगा उसका, और उसके अंडर में काम करेगी। और जितने भी बैंकों के एनपीए हैं, जितने भी बैड एसेट्स हैं, लाइक जो लोन दिया हुआ था बैंकों ने, अब वो नॉन परफॉर्मिंग हो गए, अब वो डिफॉल्ट कर गए, उन सब को एसेट को ये एसेट जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनियां लाइक बैड बैंक ये मॉनिटर करेंगी, और वो उसमें जो है वो उन सबको कुछ हेयर्स कट के साथ मोनिटाइज करेंगी। देखिए यस बैंक ने बोला फॉरेन फंड, तो ये जो कंपनी यस बैंक ने जो लाइसेंस दिया हुआ है इनको, अभी तो लाइसेंस का वो एग्रीमेंट मिला नहीं है अप्रूवल, बट इन्होंने बोला हुआ है कि जो कंपनी बनेगी वो भी उसमें तो पैसा चाहिए कंपनी चलाने के लिए। तो बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फॉरेन फर्म्स, जो बड़े बड़े फॉरेन के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, और बहुत बड़ी ऐसे एक्सपर्टाइज कंपनियां हैं जो इस तरह के काम को देख सकती हैं। तो बोल रहे हैं कि यस बैंक सीईओ सेज फॉरेन फंड्स कीन टू इन्वेस्ट, मतलब कि वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। सी आगे लिखा हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी प्लान्स टू लॉन्च हाइव ऑफ शॉर्ट लोन्स ऑफ 5,000 करोड़, मतलब कि ये 50,000 करोड़ रुपए का जो एनपीए है यस बैंक का, शुरू शुरू में ये इनके लिए काम करेगी, बाद में और ही दूसरे बैंकों के एनपीए के लिए काम करेगी, लेकिन शुरू शुरू में ये जो है अपने खुद के जो एनपीए हो गए हैं उनको जो है रेगुलराइज करने के लिए काम करेगी। आगे बोल रहे हैं, देर हैज बीन लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑफ आवर एआरसी बिजनेस। वी आर लाइकली टू पुट इन इनिशियल कैपिटल ऑफ 10,000, जिसमें बोल रहे हैं कि 10 लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ये इनिशियल फंड यस बैंक लगाएगी, और फॉरेन इन्वेस्टर विल पुट नियरली 25 बिलियन, मीन्स लगभग 2,500 करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर लगाएंगे। सी यस बैंक अप्लाइड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अप्रूवल, ये सितंबर में ही इस बैड बैंक एआरसी के लिए अपनी खुद के लिए ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, बट अभी तक आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों कभी भी अप्रूवल दे सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नया प्लान ही हो रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि इस तरह के बैंकों को लाइक बैड बैंक के लिए सपोर्ट करेगी, और ये सब आगे आएंगे, तो लाइसेंस आज नहीं तो कल, नहीं परसों ये मिल ही जाएगा। सी द लेंडर व्हिच वाज रेस्क्यूड लास्ट ईयर इज द फाइनेंशियल हेल्थ, तो ये फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें कि ये जो है जो डिफॉल्ट की थी कंपनी। सो एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, इफ दे कैन गेट ए क्रेडिबल पार्टनर इट विल बी अ गुड स्टार्ट। सो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर उनको कोई क्रेडिबल पार्टनर फॉरेन से, जैसा कि अपने एमडी और सीईओ यस बैंक के बोल रहे हैं कि बहुत सारे फॉरेन पार्टनर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तो ये एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी, बहुत ही अच्छी न्यूज होगी। ठीक, गोइंग अहेड द लेंडर लेंड्स स्टे अवे फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस एज इट लुक्स टू बिल्ड लोन बुक इन द मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेट सेगमेंट। कुमार मींस जो एमडी सीईओ है यस बैंक के, लाइक सम ऑफ इट्स पीयर सीन इंक्रीज एसेट इन रिटेल सेगमेंट व्हिच हैड टच नियरली 3%। तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो रिटेल सेगमेंट का स्ट्रेस है वो लगभग 3% तक बढ़ चुका है, और इनके पीयर्स हैं वो लगभग 1% है, मतलब अपने बारे में बात करें एनपीए जो इनका बढ़ा हुआ है। ये थी न्यूज दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट न्यूज है और बहुत तगड़ी खबर है, और
ये बैड बैंक के बारे में बता दें कि यही सेम एआरसी है जो बैड बैंक की तरह काम करेगी। और भी कंपनियां जानते हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां लाइक स्टेट बैंक और ये पंजाब नेशनल बैंक, इन सबके बहुत सारे लोन जो है डिफॉल्ट हुए हैं, सब अपने अपना बैड बैंक बनाएंगी, एआरसी बनाएंगी। लेकिन यस बैंक उनमें से है जो सबसे पहले लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास दिया हुआ था, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, आया है। ये सितंबर में दिया हुआ था, अभी क्या चल रहा है फरवरी, अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। सो कभी अप्रूवल आ सकता है और इसके शेयर प्राइस में बहुत ही धमाका हो सकता है। सो लेट्स होप आगे क्या होता है कल। अब ज्यादा नहीं तो चलेंगे दोस्तों, बस यही न्यूज थी, न्यूज आपको बताना था। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।